क्स्ट क्वेश्चन दो हजार नौ में सवाल पूछा गया क्वेश्चन सेज अ बॉडी अंडर द एक्शन ऑफ अ फोर्स एफ इज इक्वल टू सिक्स आई कैप माइनस एट जे कैप प्लस टेन टेन के कैप एक्वायर्स एन एक्सलेशन ऑफ वन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मास ऑफ दिस बॉडी मस्ट भी हमें इसका बताना है मास कितना होगा फोर्स दिया है और हमें एक्सलेशन दिया हुआ है ना बड़ा सिंपल सवाल है ये सवाल टू था, तो और नाइन्टी दोबारा आपसे नीट में पूछा जा चुका है सेम सवाल सेम डेटा के साथ हालांकि सो so, सबसे पहले फोर्स की वैल्यू लिखते हैं फोर्स सिक्स आई कैप माइनस एट जे कैप प्लस टेन के कैफ ये आपका फोर्स है इस फोर्स को जो हमने एक बॉडी के ऊपर लगाया है उसका एक्सेशन हो गया वन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर सो एक्सेलेशन हो गया वन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हमें बताना है एम की वैल्यू क्या होगी राइट right. uh, सबसे पहले देखते हैं ये अपने को पता है कि एफ इज इक्वल टू एम ए अगर हम देखेंगे तो एम की वैल्यू आ जाएगी एफ का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाई ए ना ऑल वी नीड टू डू इज फाइंड आउट एफ़ का मैग्नीट्यूड क्या होगा सो so, एफ़ का मैग्नीट्यूड जो आ जाएगा वो हो गया सिक्स स्क्वायर प्लस एट स्क्वायर प्लस टेन का स्क्वायर डिवाइडेड बाय वन तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे सिक्स का स्क्वायर होगा थर्टी सिक्स एट का स्क्वायर होगा सिक्सटी फोर एड करके हंड्रेड बनेगा टेन का स्क्वायर होगा हंड्रेड सो ऐड करके ये अंडर रूट ऑफ टू हंड्रेड बन गया नीचे वन है सो आपके मास की वैल्यू हो गई टेन रूट टू सो ऑप्शन में हमें टेन रूट टू दिया हुआ है टेन रूट टू के जी वड बी द राइट आंसर यही ऑप्शन अगर रूट uh, टू को अगर हम एक्सपेंड करते हैं इसकी वैल्यू लिखते तो रूट टू होता है वन पॉइंट फोर वन फोर सो उस बेसिस पे इसका आंसर अगर ऑप्शन ऐसे होते तो इसको फोटीन के जी या फोटीन पॉइंट वन फोर के जी भी कह सकते थे सो uh, so इस सवाल का सही जवाब हो गया सी विच विल बी द राइट आंसर